फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पॉन्ड ऑफ थ्रेड्स चैनल में। आज हम बनाने जाने हैं रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रैंड लिए हैं एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस की। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कोई स्ट्रेट लाइन नहीं ली है, आज मैंने अपना जो मोटिफ मैं बनाती हूँ वही आज मैंने उसको यूज़ किया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने इसके पैर छोड़ दिए थे, बैक से फ्रंट पर आएंगे और धागे को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये देखो, थोड़ा सा धागा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, धागा अगर वेट होगा, थोड़ा गीला होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब एक बैक टाँका ले लेते हैं, यहाँ से उसी धागे को थोड़ा सा दबाते हुए इस तरह से। आप छोटे छोटे टांके लेते हुए रनिंग स्टिच बनाते हैं। बेसिकली जिसको हम कच्चा टांका कहते हैं वही है रनिंग स्टिच। ऊपर की तरफ आए, फिर नीचे चले गए, फिर ऊपर आना है, फिर वापस। टांके की लंबाई आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और रनिंग स्टिच के बीच में गैप भी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कांथा वर्क में यूज़ होती है, जो कि बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारी लगती है। हम ट्रेसिंग में भी जो है रनिंग स्टिच को यूज़ करते हैं। सेम स्टेप्स को कॉपी करते जाएंगे और हमारा जो स्टिच है वो बन जाएगा। पक्षी का एक पैर बनके तैयार हो गया है। रनिंग स्टिच से हमने भर दिया था, अब दूसरे पैर की तरफ आएंगे। दूसरे पैर की तरफ आएंगे तो ये जो हमने रनिंग स्टिच लिए हैं इन्हीं के बीच में से हम वीव करते चलेंगे अपने धागे को और फिर इधर जो वहाँ पे हमारा पैर हमें बनाना है वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर सेम स्टेप्स को कॉपी करते चलेंगे। है ना, बहुत आसान और बहुत सुंदर। अब हमने इसको पूरा फिल कर लिया है ना, अब इसको एंड करेंगे। एंड करने के लिए इसको बैक में डाला। आप चाहे तो एक छोटा सा नॉट लगा सकते हैं, इससे थोड़ा मजबूती आ जाती है हमारे काम में। और इन्हीं धागों के बीच में वीव करते जाएंगे इस तरह से। बराबर से हम काट देंगे। स्टिच आपको कैसा लगा, स्टिच को ट्राई करके देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।